ईश्वर नामे स्वगन लौं छु के कायदा थी स्थापित भारत न संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावी। खातिर देश के लगा चुके हैं पूरा जीवन मोदी जी। 20 साल में 70 सालों का परिवर्तन मोदी जी। बड़ा कहर था कुदरत का भी, था गुजरात निराशा में, पर वीर विश्वास किया करते हैं केवल आशा में। अपनी क्षमताओं से चलकर सबका सपना बड़ा किया, टूट गए थे जो भी मन से, फिर से उनको खड़ा किया। अपने लक्ष्यों को लेकर बिना किए वो देर चले, चाल गजब की है ऐसी कि जैसे गिर में शेर चले। स्पर्धा में नहीं कभी ये छोटे लक्ष्य बनाते हैं, अपनी रेखा बड़ी खींच करके आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्वीकार रहा भारत का जन जन मोदी जी। 20 साल में 70 सालों का परिवर्तन मोदी जी। गुजरात बनाया दर्शनीय तो भारत ने विश्वास किया। भ्रष्टाचार कांपे भयभीत हुआ, गरीब ने चैन का विश्वास लिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। स्वच्छ रहेगा भारत अपना, नए भारत का नारा है। गैस सिलेंडर माता बहनों की आंखों का तारा है। शौचालय से स्वाभिमान की यात्रा को बल मिलता है। हर मुश्किल का अब भारत में जल्दी से हल मिलता है। आज करोड़ों लोगों को आवास मिला है भारत में। जनधन खातों वाला तोहफा खास बना है भारत में। भ्रष्टाचार बिना शासन विश्वास बना है भारत में। भविष्य बना देगा ऐसा इतिहास बना है भारत में। सबसे ऊंचा स्वप्न दिखा के पूरा करते मोदी जी। 20 साल में 70 सालों का परिवर्तन मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। विश्व पटल पर एक नया सम्मान दिलाया, गजब किया। अमर तिरंगा विदेशों में जाकर लहराया, गजब किया। आज सियासत बंद हुई है डरते डरते जीने की। चीन पाक ने नाप देख ली 56 इंच सीने की। सीए कानून बनाया, हम इसके आभारी हैं। घुसपैठियों को बाहर करने की जोरदार तैयारी है। बंद हुए आतंकी हमले, बंद हुए अब दंगे हैं। लाल चौक से लाल किले तक लहराए सिर्फ तिरंगे हैं। कहा अभी तक जो सब कुछ है वो करके दिखलाएंगे, अब मोदी जी रामलला का मंदिर भव्य बनाएंगे। अमर शहीदों के चरणों में करते तर्पण मोदी जी। 20 साल में 70 सालों का परिवर्तन मोदी जी। छुट्टी ना आराम, मिशन पे डटे हुए हैं मोदी जी। 20 साल में 70 सालों का परिवर्तन मोदी जी। सात अक्टूबर 2020। आज हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश कर रहे हैं अपने राजनीतिक जीवन के 20वें वर्ष में। उम्मीद है वे ऐसे ही समर्पण से देश सेवा करते रहें।